ये देखो हम कौन सी वाली हाइट में हैं, वो नीचे चढ़ चढ़ के बुरे हाल हो गए। यहाँ पे बिजली पड़ती रहती है शिवलिंग पे, और शिवलिंग पर बिजली पड़ने के बाद वो खंडित हो जाती है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रदन ब्लॉग्स। तो आज हम कहाँ हैं? आज हम थंबनेल से तो आप सभी को पता चल गया होगा कि हम अभी हैं चलाल विलेज कसोल। तो आप समझ ही गए होंगे, समझ रहे हो ना। और चलाल विलेज में बता देता हूँ कि हर एक पार्टी होती है, पार्टी अच्छी और अच्छी और अच्छी पार्टी, ये सारी पार्टीज यहीं पे होती है चलाल विलेज। कसोल मेन में कम होती है। जो फेस्टिवल होते हैं, जैसे इनका अभी आगे शिवरात्रि फेस्टिवल आएगा, पार्वती फेस्टिवल आता है एक, वो आएगा, तो वो सारे फेस्टिवल यहीं पे होते हैं। समझ आओ कौन से फेस्टिवल होते हैं यहाँ पे। कंट्रोल होता है। तो हम यहाँ पे अभी कसोल हैं, यहाँ पे जो होटल है वहाँ पे रुके हैं, वो है रॉयल वाइब्स। और इस ट्रिप में मेरे साथ हैं प्रिंस और कनव। आ जाओ दोनों जाने में फ्रेम, दोनों फ्रेम में आएंगे। तो ये प्रिंस है और कनव, ठीक है। कनव कितनों आ गया, हाँ आ जा। तो ये कनव है, ठीक है। कि यहाँ का ये प्लान है कि यहाँ चलाल विलेज में हम 2 दिन रहेंगे, और 2 दिन में आज का जो फर्स्ट डे है ये हम जाएंगे बिजली महादेव। सो अभी हम रेस्टोरेंट में हैं, ऑर्डर दे दिया है पराठे का, और मैं दिखाता हूँ ये बार ओपन में बैठने के लिए। सो अभी पराठे आ गए हैं, आज आलू के पराठे हैं, ठीक है। तो हम लेट हो गए थे, हम बाहर लगे हुए थे ड्रोन शूट मारने, और ये बंदा खा रहा है अकेले। सो फाइनली ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, और अभी हम निकलने लगे हैं यहाँ से। ये देखो ये प्रॉपर विलेज है, इस साइड तो आए थे ना, हाँ रास्ता थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। तो ये देखो तो जैसा कि आपने सिनेमैटिक शॉट तो सारे देख लिए हैं, तो उसके बाद जो बाकी ये रास्ता है, ये 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है। मैं तो थक गया हूँ, बट ये दोनों बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही है। अब आपको ना पानी की आवाज़ भी आएगी साथ साथ, क्योंकि हम नदी के साथ साथ चल रहे हैं। जैसे कि ये देखो नदी के इस साइड वो वाला है चलाल पिंड का रास्ता है, और उस साइड जो मेन कसोल है यहाँ पर सारे रुकते हैं। तो अगर आप देख सकते हो तो उस साइड होटल वगैरह देख सकते हो। तो ये सारा रास्ता ऐसे ही है, ट्रैकिंग में है, ठीक है। 2 किलोमीटर मैक्सिमम ट्रैकिंग है, ठीक है, होटल तक जाने के लिए, बट जगह फंटेस्टिक है, ठीक है। तो जो भी होटल्स की डिटेल्स होगी, ये रॉयल वाइब्स होटल है, लोकेशन अच्छी है, फूड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करा था, बहुत अच्छा था, ठीक है। तो उनकी जो भी डिटेल होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। ये वाला ब्रिज है जो क्रॉस करने के बाद हम उस साइड जाएंगे कसोल के। ये देखो बीच की साइड, ये हम आगे प्रॉपर कसोल में। भाई लोग पड़ गया पंगा, और क्या पंगा पड़ा, जहाँ पे हमने बाइक्स पार्क करी थी उस बंदे से बात हो रखी थी, बट वो रात को वो बंदा वहाँ पे था नहीं, तो कोई और बंदा आया, उसने सारी बाइक्स की, तीनों बाइक की हवा निकाल दी। और मेरी बाइक में, इस बाइक में कहीं से हमने पंप अरेंज करके हवा भरी है, और मैं यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे जा रहा हूँ मणिकरण साहब, तो वहाँ पे एक शॉप है जो हवा भरता, तो अब मेरे को शायद वहाँ से मिलेगा पंप के नहीं मिलेगा, कुछ कंफर्म नहीं है, बट और सारी शॉप्स मैंने यहाँ से देखी है, सारी बंदी पड़ी हुई हैं। तो ये चीज़ भाई लोग आप भी ध्यान रखो, अगर आप किसी भी होटल में, आई एम नॉट सेइंग कि दिस होटल, किसी भी होटल में रुकते हो, स्टे करते हो, तो अपनी बाइक्स अपनी गाड़ियाँ प्रॉपर जगह पर लगा के जाओ, पार्किंग में लगाओ, पेड पार्किंग मिले तब भी लगा दो, ठीक है। पेड पार्किंग में क्या होगा कि अगर कोई नुकसान कर गया ना, अब तो किसी ने हवा ही निकाली हमारी, अगर इसके अलावा वो हमारी हवा निकालने के अलावा कुछ और नुकसान कर देता है, बंजी रोड, ये जो
बंजी थी ये हमारी ऐसे लटकी हुई थी, ठीक है, अगर वो सामान तोड़ देगा तो थोड़ा नुकसान हो जाएगा वो। सो यहाँ पे भी यही पंगा, शॉप ओपन है और शॉप पे है ही कोई नहीं है, वो बोल रहे हैं आधे घंटे बाद आएंगे। सो मैं वापस उसी शॉप पे आ गया हूँ, तो अभी भी अभी आ गए थे, हाँ जी, तो अभी भी अभी आ गए थे, तो उनकी मेरे को कॉल आ गई थी, दोनों ने यहीं से भरवा लिया, वहाँ पर भी ऐसा ही बंद था, उन दोनों ने फिल करा लिया और मैं अभी फिल करा के अभी हम निकलेंगे बिजली बिजली महादेव। तो अभी पता नहीं आज कितना कवर हो पाएगा, मेरे ख्याल से आज एक ही कवर हो पाएगा, बिजली महादेव ही कवर होगा। अब अपनी फिल हो गई है, अभी हम जाएंगे बिजली महादेव देव 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 देव, चलिए हैं। हाँ यार अग्गे रख लेना है, ये है मेरी कैप। यहाँ से कसोल से बिजली महादेव कोई एक घंटे का रास्ता है, सो हम सोच रहे हैं कि वापस जरूरी जाना, अभी पहले जिस साइड सोचा उसी साइड जाते हैं, ठीक है ना, इतना तो चलता है, अगर पंचर हो जाता है तो इससे भी क्या होगा, अगर हवा निकल गई तो उससे भी क्या हो रहा वाला है, हमें ये है कि हमें जाना है तो हम तो जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम निकल गए हैं बिजली महादेव। I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is... आपने हमेशा ऊपर कसोल देखा होगा ना, अब ये देखो कसोल वो नीचे है, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि हम कौन सी हाइट पे हैं, कि कसोल भी हमें वो नीचे छोटा सा दिख रहा है, तो अभी हमने और ऊपर जाना है, तो काफ़ी ज़्यादा हाइट हो गई है यार। तो रास्ता तो अच्छे वाला ऑफ रोड है ये रास्ता, मज़ा आ गया, जो ऑफ रोड काफ़ी दिन से किया नहीं हुआ था वो ऑफ रोड करने का ना मज़ा आ गया, इस रोड पर अच्छी वाली लगी है, सभी बाइक्स की लगी है, बाइक्स की चलो क्या लगनी है, ये तो आदत है बाइक्स को भी, पहले भी ऐसे रास्तों पे, इससे गंदे रास्तों पे जा चुके हैं हम। सो फाइनली हम यहाँ ऊपर हैं, नीचे का रास्ता तो आपने देख ही लिया है कितना ऑफ रोड है, भले ही आता वाला ऑफ रोड है, ठीक है। और अभी हम ऊपर यहाँ पे बाइक अपनी पार्क कर दिया, और यहाँ से ऊपर बोल रहे हैं कि ट्रैकिंग है कोई एक घंटे की, तो एक घंटा लगता है, कितना लगता है वो ऊपर जाके पता चलेगा। तो अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं, हाँ यहाँ से ऊपर जाते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे बताता रहूँगा। वैसे तो हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हैं, बड़ी ज़्यादा हाइट पे हम ये, तो यहाँ से कसोल इतना सा दिखता था, अगर आपको वो शॉट पता नहीं वो कैमरे में आया कि नहीं आया, अगर आया होगा तो वो इतना सा कसोल दिखता है, ठीक है। तो अभी हम ऊपर चढ़ेंगे, सांस भी चढ़ेगी, तो इसलिए इसको मैं थोड़ी देर बंद कर रहा हूँ, और लगी चढ़ चढ़ के बुरे हाल हो गए। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, हाँ ये देखो, हाँ इतनी हाइट है कि यहाँ पे अभी भी स्नोफॉल हो रखी है, ये देखो, क्योंकि थिंग इज दिस के तो सामने है ना पहाड़, ये उनकी लेवल पे है, वहाँ पे इतनी हो रखी है, यहाँ पे तो होनी थी। हाँ ये दोनों जा रहे हैं और मेरी लग गई है, हाँ वो ऊपर अगर देख रहे होंगे तो पेड़ों के बीच में से ना ये अंदर है, दिख रहा है, हाँ ये ऊपर, ये ना जो घर दिख रहा ये है, यहाँ तक तो जाते जाते घंटा लग जाना है मेरे को, नई बर्फ के मजे लेते हैं। ये रास्ता इतना आ गया कि अभी हम स्नो में चढ़ना पड़ रहा, हाँ इससे आगे सारा आधा किलोमीटर स्नो में ही है, हाँ। अभी कनव मुश्किल राहों पे चलेगा, इसलिए मैं बना रहा हूँ कि कहीं शायद कहीं MMS बन जाए, थंबनेली कहीं पे बन जाए, और नहीं कुछ तो कहीं चलते चलते मेरा ना बन जाए, हाँ बनने वाला है, चल चल
सो फाइनली हम बिजली माँ से पहुँच गए हैं। करना वीडियो बना रहा है, प्रिंस वहाँ पे है और इस साइड का व्यू देखो, वो जो लेवल था जो उस लेवल है ना वो माउंटेन्स का, उसी लेवल पे हम हैं। तो खुद ही साफ लगा लो हम कौन सी वाली हाइट पे हैं। अब 5 मिनट वेट करके हम अभी जाएंगे ऊपर, ठीक है, ऊपर जाके बाकी चलते हैं ऊपर, 5 मिनट वेट करना, उसके बाद ऊपर चलते हैं। ये देखो ये अब सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये कह रहा था कि वहाँ से सीढ़ियाँ आती हैं, सीढ़ियाँ तो यहाँ से भी हैं। ये सीढ़ियों की बात कर रहा था क्योंकि ये पहले भी गया हुआ सुपने अब हम पूरे लेवल पे हैं, थोड़ा हौसला सामने वाली पहाड़ों के, और थोड़ा सा हौसला बराबर हो चुका है हमारा फाइनली आखिर हम पहुंच गए हैं बिजली महादेव, जय भोले। अगर आप हाइट देखना चाहते हो ना तो ये देखो, wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud, disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all like God is working, never stop searching, never quench the thirsty, I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic, go! तो अभी है ये नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ से बिल्कुल डीप नीचे को दिखता है बहुत सारा। ओहो, ये देखो हम कौन सी वाली हाइट में हैं। वो नीचे वाला अगर किसी ने देखा होगा, ये नीचे वाला रोड निकल जाता आगे और इस साइड से ऊपर जाता है कसोल को, ये देखो ये पूरा बोंतर है, ये बोंतर का एयरपोर्ट ये है, बड़ी घैंट जगह है यार। तो ये स्तंभ है ऊपर को, ठीक है, और ये मंदिर है। बिजली महादेव जो इसकी हिस्ट्री है कि यहाँ पे बिजली पड़ती रहती है शिवलिंग पे, और शिवलिंग पर बिजली पड़ने के बाद वो खंडित हो जाती है, फिर तो इसको पुजारी मक्खन से जोड़ देते हैं ना, मक्खन से जोड़ने के बाद वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है, तो मक्खन से उसके ऊपर लेप लगाया जाता है, फिर जुड़ जाती है कुछ टाइम के बाद, फिर जुड़ जाती है, ठीक है। हिस्ट्री तो बहुत लंबी है बट इतना तो डीपली बता नहीं सकते। ठीक है ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू। तो जैसा कि भैया ने बताया इसकी हिस्ट्री, वो भी मंदिर तो बंद है, तो हम बाहर से ही मत्था टेक लेंगे। फाइनली मंदिर बंद था, हमने बाहर से ही मत्था टेक लिया। सो अभी हम वापस जा रहे हैं नीचे, और नीचे पहुंचने के बाद अभी हम सीधा रूम पे जाएंगे, और मंदिर का ये सारा ब्लॉग कैसे रहा प्लीज़ मेरे को बता दो कि मंदिर का ब्लॉग सारा कैसा रहा, रास्ते का अगर कुछ गलत आ गया या कुछ भी है तो मेरे को वो भी बता दियो, कि मैं चेंज करता रहता हूँ, ठीक है। तो अगर कुछ चेंज करना हो ब्लॉग में तो वो भी बता दियो, ठीक है। और अभी हम निकल रहे हैं नीचे, ब्लॉग यहीं तक है, यहाँ पर हम ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से सेम वही रास्ता जहाँ से आए हैं वही रास्ता फिर से नीचे है। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा ब्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी हम 4-5 दिन यहीं पे हैं, यहाँ से मनाली निकल जाएंगे, आगे कहाँ पे जाएंगे कुछ पता नहीं है। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और कमेंट करके बताओ यार कि कैसी रही वीडियो सारी, ठीक है। सो चलते हैं हम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग।